अच्छा उसके बाद देखते हैं, अभी हमारा रह गया ऑर्डर्स वाला पेज। ठीक है, इस यूज़र ने दो ऑर्डर प्लेस किए हुए हैं, इनका स्टेटस पेंडिंग आ रहा है, अभी ऑर्डर वो प्लेस हुए हुए हैं। ठीक है, अगर डेटाबेस में देखें हम तो ऑर्डर्स वाले टेबल में इनका स्टेटस वन आ रहा है। ठीक है, वन का मतलब होता है पेंडिंग है। ठीक है, और एडमन के पास अगर जाएं, एडमन लॉगिन हो तो इसको उधर इधर देखें, तीन ऑर्डर का स्टेटस वन है, मतलब तीन ऑर्डर इसको पेंडिंग क्यों होने चाहिए। ठीक है, एक एक पेंडिंग, दो पेंडिंग, तीन पेंडिंग। ठीक है, तो यहाँ से हम ऐसे करते हैं कि डिस्पैच करते हैं इसको, ये ऑर्डर डिस्पैच हो गया है, देखें ये डिस्पैच में आ रहा है। ठीक है, और ये यूज़र इसको इसी सेम जिस यूज़र का डिस्पैच हुआ है इसको हम लॉगिन करते हैं, तो इसको देखते हैं कि क्या इसके पास स्टेटस चेंज हुआ है। तो ऑर्डर्स में ये देखें, इसके पास डिस्पैच आ रहा है, अगर ये रिसीव करेगा तो ये रिसीव पे क्लिक करेगा तो ऑर्डर रिसीव्ड हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है। तो ये प्रोसेस है कि ऑर्डर डिस्प्ले हो रहे होते हैं, उनका स्टेटस ज़ीरो होता है। ठीक है, और जब एडमिन डिस्पैच करता है तो उनका स्टेटस वन हो जाता है, और एडमिन जब यूज़र रिसीव करता है तो उनका स्टेटस टू हो जाता है, इस वजह से ये पेंडिंग रिसीव्ड या डिस्पैच का नज़र आता है। ठीक है, हम ऑर्डर्स डॉट पी एच पी फाइल को देखते हैं, बाकी चीज़ें उसमें क्लियर हो जाएंगी। इस फाइल के दो पोर्शन हैं। ठीक है, अगर यूज़र टाइप ज़ीरो एडमन, ये वाला पोर्शन एडमन के लिए रन करता है। ठीक है, और ये इससे नीचे वन, यूज़र टाइप वन हो तो ये वाला पोर्शन कस्टमर के लिए करता है। हम ठीक है पहले कस्टमर वाला देख लेते हैं। ठीक है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स, ठीक है, लेफ्ट जॉइन यूज़र्स, और यहाँ पे यूज़र्स डॉट यूज़र आईडी ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आईडी के बराबर होती है। ठीक है, यूज़र वाले टेबल में जो यूज़र आईडी है वो ऑर्डर वाले टेबल में कस्टमर आईडी के बराबर होगी। मिसाल के तौर पे एक यूज़र की आईडी 5 है यूज़र वाले टेबल में, तो ऑर्डर वाले टेबल में जो कस्टमर आईडी वाला कॉलम है उसमें भी 5 होगा। ठीक है, वेयर ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आईडी इज टू यूज़र आईडी, जो करंट बंदा लॉगिन है उसके, और ऑर्डर बाय ऑर्डर स्टेटस स्टेटस से इसको सेंड करना है, मीन कि जो कंप्लीट होंगे वो नीचे आएंगे, जो पेंडिंग होंगे वो ऊपर आएंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम क्योंकि कार्ट में से देखते हैं, मैंने कहा था कि हम कार्ट में से देखेंगे कि ऑर्डर का स्टेटस क्या है। ठीक है, कि कौन से आइटम, एक इस ऑर्डर के अंदर कितने आइटम है, अगर यहाँ तीन होते ना तो 1 2 3 4 इसी के नीचे डिस्प्ले हो रहे होते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कार्ट, इसलिए जब ये रो प्रिंट होना शुरू होती है ना, जब यहाँ तक आती है तो यहाँ पे हम कहते हैं कि इस रो की ऑर्डर आईडी क्या है, इस रो की ऑर्डर आईडी वो गेट करके ऑर्डर आईडी में आ जाती है। हम कहते हैं कार्ट में से देखो कि इस ऑर्डर आईडी के कितने आइटम कार्ट में मौजूद हैं। जैसे मैंने कहा था कि जब ऑर्डर प्लेस होता है तो उस ऑर्डर के अंदर जितने आइटम होते हैं वो कार्ट के अंदर उस आइटम उन सब आइटम्स के अगेंस्ट वो ऑर्डर आईडी हम सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे वो देखेगा कि इस ऑर्डर के कौन आइटम कौन कौन से कार्ट में थे। ठीक है, वाइल लूप लगा के उन सब के शूज़ के नेम प्रिंट हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद ऑर्डर डेट, ऑर्डर अमाउंट, अगर ऑर्डर स्टेटस ज़ीरो होगा तो पेंडिंग लिखा आ जाएगा, यहाँ पे पहुँच गए हम। ठीक है, पेंडिंग अगर 1 2 होगा तो डिस्पैच, 3 होगा तो रिसीव्ड, और उसके बाद यहाँ पे एक्शन के अंदर यूज़र को कस्टमर को कौन सा बटन नज़र आना है, जब डिस्पैच हो चुका होना है तो तब उसको बटन नज़र आना है कि ये मुझे रिसीव हो गया है। ठीक है, हम कहते हैं कि अगर ऑर्डर स्टेटस 2 हो तो उधर रिसीव का बटन बना दो। ठीक है, और ये मैनेज ऑर्डर्स पे जाता है, ऑर्डर रिसीव आईडी इस बटन का नाम है, और अपने साथ ऑर्डर आईडी लेके जाता है। ठीक है, और ऑर्डर स्टेटस 3 हो तो उधर ऑर्डर कम्प्लीट लिख दो। ठीक है, इसका 3 है तो इधर ऑर्डर कम्प्लीट लिखा गया है, 2 होता तो इधर बटन बना होता रिसीव का। अभी हम ना एडमन साइड पे देख लेते हैं कि एडमन साइड पे ये कैसे चल रहा था, एडमन साइड पे ऑर्डर कैसे शो होते हैं। अच्छा, एडमन साइड पे भी सेम शो हो रहे हैं, सिर्फ एक फ़र्क क्या है कि यहाँ पे कस्टमर भी, जिस कस्टमर का ऑर्डर है वो भी डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, हम ऊपर आते हैं, एडमन साइड पे भी हम वही करते हैं कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स। ठीक है, और ये जो है हम एडमिन साइड पे ये बना हुआ है, ये क्या करता है, ऊपर गेट करता है। ठीक है, ऊपर गेट होता है इससे, तो हम कहते हैं कि अगर ऑर्डर स्टेटस 0 से ज़्यादा है, गेट हो रहा है, तो वो ऑर्डर सेलेक्ट करो जहाँ पे ऑर्डर स्टेटस इसके इक्वल हो, जो मतलब अगर पेंडिंग जा रहा है तो पेंडिंग के इक्वल हो, डिस्पैच है, डिलीवर्ड है, जो भी है ये ऊपर ऑर्डर स्टेटस जा रहा है। ठीक है,
वो वाले शो कर दो, अगर ऑर्डर स्टेटस 0 से ज़्यादा है मतलब वो गेट हो रहा है तो ठीक है। ये गेट हम ऊपर कर रहे हैं यहाँ पे, ऑर्डर स्टेटस के लिए 0, इफ़ इस सेट गट गेट ऑर्डर स्टेटस, ऑर्डर स्टेटस उसे गेट करके इस वेरिएबल में सेव हो जाता है ठीक है। नीचे वही चीज़ कर रहे हैं कि ऑर्डर आईडी इस रो की क्या है, जब यहाँ से प्रिंट होने लगता है इस रो की ऑर्डर आईडी 5 है तो 5 वाले सारे आइटम यहाँ प्रिंट कर दो कार्ट के अंदर से लेके ठीक है। तो वो सेलेक्ट आर फ्रॉम कार्ट किधर गया, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कार्ट, और जो भी उस कार्ट के अंदर, कार्ट में ऑर्डर आईडी इस ऑर्डर आईडी की इक्वल होती है, वाइल लूप चला के वो सारे आइटम इधर आ जाएंगे। अभी एक एक इसलिए शो हो रहा है क्योंकि इस ऑर्डर के अंदर आइटम ही एक है, एक ही शूज़ है, कोई तीन वाला होगा तो यहाँ तीन आ जाएंगे वाइल लूप के थ्रू ठीक है। और उसके बाद हम कहते हैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स, यूज़र के साथ ज्वाइन करते हैं कि हमने यहाँ पे कस्टमर की इन्फो लिखनी होती है, तो हम उसको यूज़र के साथ ज्वाइन करके देख लेते हैं कि इस तरह हम यूज़र का नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट एड्रेस डिस्प्ले कर देते हैं, ऑर्डर अमाउंट और ऑर्डर डेट करते हैं। अगर ऑर्डर स्टेटस 1 होगा तो पेंडिंग आ जाता है, 2 हो तो डिस्पैच आ जाता है, 3 हो तो डिलीवर्ड आ जाता है ठीक हो गया। और अगर 1 होगा तो उधर डिस्पैच का बटन बना दो एडमिन के लिए, 2 हो जाता है तो उधर रिसीव का बटन हम यूज़ कस्टमर के लिए बनाते हैं ठीक है, और 3 हो तो उधर रिसीव्ड बाय कस्टमर लिख दो ठीक है। ये डिस्पैच क्या करता है, मैनेज ऑर्डर्स डॉट पी एच पी ऑर्डर डिस्पैच आई डी रो की ऑर्डर आई डी लेके जाता है। मैनेज ऑर्डर्स में जाते हैं हम, तो मैनेज ऑर्डर्स वाली फाइल में देखें तो ये देखें ऑर्डर डिस्पैच आई डी, ये एडमिन कर रहा होता है, ऑर्डर आई डी आ जाती है सेलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर ऑर्डर आई डी इज टू दिस, और अगर करंट स्टेटस इसका 1 हो तो ऑर्डर स्टेटस इसका 2 कर दो, मतलब वो डिस्पैच हो गया, ऑर्डर स्टेटस अपडेटेड सक्सेसफुली अदरवाइज एरर। और इसी तरह ऑर्डर रिसीव आईडी, अगर जब कस्टमर रिसीव कर लेता है तो ऑर्डर आईडी सेलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर ऑर्डर आईडी दिस, अगर ये ऑर्डर स्टेटस 2 है तो उसको ऑर्डर स्टेटस 3 कर दो, मतलब वो रिसीव हो गया, और ये मैसेज डिस्प्ले कर दो अदरवाइज ये एरर डिस्प्ले कर दो ठीक हो गया। तो ये सारा ऑर्डर्स वाला भी आपका कंप्लीट हो गया ठीक है। उसके बाद एक रिपोर्ट्स वाला रह गया ठीक है, रिपोर्ट्स डॉट पी एच पी। इसमें क्या होता है कि एडमिन ने रिपोर्ट्स जनरेट करनी होती है बेसिकली ठीक है। अच्छा, जनरेट रिपोर्ट्स, उसके नीचे अच्छा तीन बने हुए हैं, एक कंटेनर है उसमें तीन बनाए हुए हैं, एक डेली सेल्स, फिर मंथली सेल, फिर ईयरली सेल ठीक है। तो इसमें अच्छा, इसमें डेली सेल में के वेरिएबल के अंदर जितनी जो वैल्यू हमने स्टोर की थी वो होती है, इसमें जो डेट होती है बेसिकली मंथली उसमें से डेट ले लेता है, और मंथली सेल्स जो वेरिएबल है वो डिस्प्ले कर देता है, और इसमें ईयरली सेल वेरिएबल जो होता है वो डिस्प्ले कर देता है ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ऊपर हमने बनाया हुआ है ये डेट इज इक्वल टू 0, इफ इस सेट गेट डेट, डेट एक में सेव हो जाती है ठीक है। तो इस डेट वेरिएबल से हम कहते हैं इफ इस सेट गेट डेट, डेट वेरिएबल को हम स्टार्ट टू टाइम कर लेते हैं, डेट गेट कर लेते हैं, अगर डेट को अदरवाइज डेट मतलब जो नॉर्मल डेट होती है वही रहती है। क्यों नहीं चलाते हैं सेलेक्ट सम ऑफ ऑर्डर अमाउंट ठीक है, हम एक क्यों नहीं चला रहे हैं कि जितनी ऑर्डर अमाउंट बन रही है उसका सम ले लो डेली सेल्स, और उसको ऑर्डर डेट पास कर रहे हैं फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर ऑर्डर डेट कौन सी हो, जो करंट डेट हम देते हैं ठीक है, ग्रुप बाय ऑर्डर डेट कर लेते हैं ठीक है, इसको रिजल्ट में सेव कर लेते हैं। अगर रो की डेली सेल्स अगर हमें गेट हो रहा हो तो डेली सेल्स के अंदर हम रो की डेली सेल्स डालते हैं, एल्स डेली सेल्स 0 हो जाती हैं। इस तरह मंथली सेव के लिए हम कहते हैं ईयर इज ईयर कौन सा, हम ईयर को डेट में से अलग कर रहे हैं, वाई वाला पार्ट जो होता है, तो ये पार्ट कैसे होता है वाई एम डी होता है, तो वाई ईयर होता है, एम मंथ होता है, डी डे होता है, तो ये वाई पार्ट अलग कर रहे हैं, मंथ के लिए हम एम पार्ट अलग कर रहे हैं, डेट को अलग करने के लिए। हम क्यों चलाते हैं सेलेक्ट सम और उसको ऑर्डर अमाउंट एज मंथली सेल, ईयर ईयर के लिए ऑर्डर डेट, और ईयर के लिए मंथली के मंथ के लिए भी ऑर्डर डेट एज मंथ, ऑर्डर वाले टेबल में से जहाँ पे ईयर कौन सा हो ये हो, और मंथ कौन सा हो ये हो, और ईयर मंथ दोनों उसको पास हो रहे हैं, ग्रुप बाय पहले ईयर आएगा फिर मंथ आएगा फिर डेट आएगी ठीक है। पूरे रिजल्ट वेरिएबल में सेव कर देते हैं। अगर मंथली सेल
अगर रो उसको मिलती है तो मंथली सेल वो गेट कर लेता है, अदरवाइज मंथली सेल ज़ीरो होती है। और इसी तरह सेलेक्ट, ये दूसरी हम ईयरली सेल के लिए तीसरा बना रहे हैं, ये हम इसमें हम कहते हैं कि ईयर ऑर्डर अमाउंट एज ईयरली सेल, तो उसको हम ईयर पास कर रहे होते हैं, ठीक है, वेयर ईयर। तो वो ऑर्डर में से वो वाली अमाउंट लेता है जिसमें ईयर इसके इक्वल होता है, जो डेट हम बेसिकली हम आप ये देखें कि यहाँ से जब डेट पास होती है कोई भी, तो डेट भी पास होती है, मंथ भी पास होता है, ईयर भी पास होता है, हम इसको अलग अलग कर रहे हैं। तो वो ऑर्डर में से हर एक के लिए क्यूरी चल रही है, देखें यहाँ पे डेट के लिए चल रही है, यहाँ पे मंथली सेल के लिए चल रही है, यहाँ पे वो सारी अमाउंट आ जाएगी जिसमें मंथ सेम होगा, यहाँ पे वो आ जाएगी जिसमें ईयर सेम होगा, ठीक है। तो वो ईयर सेल डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे आपने एक ईयरली सेल एक वेरिएबल लिया हुआ है, तो उसको हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे ईयरली सेल का वेरिएबल यहाँ पे डिस्प्ले होता है, मंथली का यहाँ पे और डेली का यहाँ पे। तो ये आपकी थी रिपोर्ट्स, ये सिर्फ एडमिन साइड के लिए है, और लॉग आउट करें तो बस आपकी सारी फाइल्स ये थी। इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चन हुए तो उसको देख लेंगे, बाकी सब हो गया, मेरे ख्याल में सब कुछ हो गया है कि आपकी जो भी चीज़ें इंक्लूड थी वो सारी एक्सप्लेन कर दी है।